तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं टॉप इन फैक्ट। तो आज हम बात करें एमटीवी के सबसे बेस्ट एपिसोड के बारे में, रोडीज रेवोल्यूशन, जो हर साल की तरह इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे एमटीवी में और कुछ चुतियापे स्किल के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिमन्यु सिंह की, जिन्होंने अपने कुछ चुतियापे स्किल दिखाकर इस ऑडिशन को क्रैक किया। तो चलिए देखते हैं अभिमन्यु सिंह ने कौन से चुतियापे के स्किल दिखाए जो नेहा दुबिया इतनी इम्प्रेस हो गई। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने तो गिटार बजाया, उसके बाद इन्होंने तबला बजाया, उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ बॉडी फिटनेस दिखाई, एंड उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ फिजिकल फिटनेस दिखाकर नेहा दुबिया एंड रफ्तार को इम्प्रेस कर दिया। सबसे बड़ी बात है, और खाब की बात तो यह है कि प्रिंस नारोला एंड निखिल चिनप्पा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनके भी कुछ रीज़न थे, बोलने कि ये कुछ चुतिया पे इसके लिए यहाँ पे नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम रोडीज रेवोल्यूशन में जा रहे हो तो ये सब चुतिया पे की स्किल दिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने दो जन मिलकर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये बहुत डिसअपॉइंट हो गए। तो चलिए देखते हैं उसके बाद रणविजय ने क्या किया। तो फाइनली रणविजय ने अभिमन्यु सिंह को सिलेक्ट कर ही लिया है, क्योंकि उसके कुछ रीज़न थे। उसका एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा, फिजिकल फिटनेस। वो फिजिकल फिटनेस से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो रोडी सर्वेशन में जाके आगे का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं उसकी फिजिकल फिटनेस देखकर। और उसका दूसरा जो उन्होंने किया, तबला बजाना, तबला रणविजय को बहुत पसंद है और उन्होंने तबला बजा कर उनको दिखाया। तो इनकी वजह से रणविजय ने अभिमन्यु सिंह को सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा चलो देखते हैं आगे क्या चुतियापे के स्किल मेरे को देखने को मिलेंगे अभिमन्यु सिंह के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा है। धन्यवाद।